अस्सलाम वालेकुम एडवांस क्लास, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। एडवांस क्लास, आज आपका जीके का लेक्चर नंबर 8 है। अपनी जीके की बुक ओपन करें, पेज नंबर 1515। ठीक है, पेज नंबर 1515। सबसे पहले हम डेट और डे मेंशन करेंगे। डेट है 1515-07-2020, यानी 15 जुलाई 2020। सी ए क्लास असाइनमेंट, और डे है डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेडनेसडे। ठीक है, 15 जुलाई 2020 क्लास असाइनमेंट वेडनेसडे। इस पेज पे जो एक्टिविटी है, डब्ल्यू एच ए टी वॉट, सी ओ एल ओ यू आर कलर, ए आर ई आर टी एच ई द एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी फॉलोइंग, वॉट कलर आर द फॉलोइंग। ये जो सामने हमारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनके कलर्स कौन से हैं, क्या कलर हैं? ठीक है, एन ए एम ई नेम, टी एच ई द नेम द, सी ओ एल ओ यू आर कलर, आई एन एन टी एच ई द, सी आई आर सी एल ई सर्कल, A L O N G along E A C H each, name the color in the circle along each। ये जो pictures हैं, इनके कौन से color हैं, उसके आगे ये जो circle बने हुए हैं हर picture के आगे, आपने इसके सामने इनके color के name write करने हैं। ठीक है, जैसे अब ये rose है, ये red color का है, तो आप इधर red लिखेंगे। ये brinjal है, purple color का है, यहाँ purple लिखेंगे। sunflower yellow color का है, yellow लिखेंगे। carrot रेड कलर की है, रेड लिखेंगे। पीस ग्रीन कलर के हैं, यहाँ ग्रीन लिखेंगे। ठीक है, सर्कल में हमने इनके कलर्स नेम लिखने हैं। पुट एफ फॉर फ्लावर, पी यू टी पुट एफ, एफ ओ आर फॉर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, पुट एफ फॉर फ्लावर, वी फॉर वेजिटेबल इन द स्क्वायर। और अब सामने ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, इसमें जो अगर ये फ्लावर की पिक है तो इसके आगे हमने एफ लिखना है। वेजिटेबल की पिक है तो इस स्क्वायर में हमने वी यानी वेजिटेबल राइट करना है। ठीक है, एडवांस क्लास समझ आ रही है? चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी ये एक्सरसाइज करें। ठीक है, सबसे पहले अभी क्या है, रोज़। ये रोज़ किस कलर का है? रेड। तो हम यहाँ पे रेड कलर नेम लिखेंगे, आर ई डी रेड। ठीक है, अभी क्या है, फ्लावर है वेजिटेबल है? जी फ्लावर है, तो यहाँ पे हम स्मॉल एफ राइट करेंगे, फ्लावर। ठीक है, और ये क्या है, ब्रिंजल। ब्रिंजल किस कलर की होती है? पर्पल कलर, पी यू आर पर पी एल ई पल, पर्पल। ठीक है, और ये क्या है, फ्लावर है वेजिटेबल है? जी वेजिटेबल है, तो यहाँ पे हमने वी राइट करना है। अब ये क्या है, सनफ्लावर, और ये किस कलर का है? येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो। और ये क्या है, फ्लावर है वेजिटेबल? जी फ्लावर है, तो एफ राइट कर देंगे। अभी क्या है, कैरेट। कैरेट किस कलर की होती है? रेड, आर ई डी रेड। और अभी क्या है, फ्लावर है वेजिटेबल है? जी वेजिटेबल है, वी राइट कर देंगे। अब ये पीस, पीस किस कलर के हैं? ग्रीन, जी आर डबल ई एन ग्रीन। अब ये क्या है, फ्लावर है वेजिटेबल? जी वेजिटेबल, वी राइट कर देंगे। ठीक है एडवांस क्लास, रोज़ किस कलर का है? रेड, और ये क्या है, फ्लावर, इसलिए हमने एफ राइट किया। ब्रिंजल किस कलर की है? पर्पल, और क्या है, वेजिटेबल, इसलिए वी राइट किया। सनफ्लावर किस कलर का है? येलो, और क्या है, फ्लावर है, इसलिए एफ राइट किया। कैरेट किस कलर की है? रेड, और ये वेजिटेबल है, इसलिए हमने वी राइट किया। पीस किस कलर के हैं? ग्रीन, और ये भी वेजिटेबल है, इसलिए हमने वी राइट किया। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16 पे आ जाएं। आज के लेक्चर में हमारी टू पेजेस हैं, इस पे भी इसी तरह आप डेट मेंशन कर लें, 1515-07-2020, यानी 15 जुलाई 2020 क्लास असाइनमेंट, और डे है वेडनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेडनेसडे। ठीक है,
इसमें टॉपिक क्या है? एम वाई माई डी ए आई एल वाई डेली, एफ डबल ओ डी फूड, माई डेली फूड यानी मेरा रोज़ाना का खाना। रोज़ाना के खाने में हमारा क्या क्या शामिल होता है? एम आई एल के मिल्क यानी दूध, बी आर ई ए डी ब्रेड डबल रोटी, पी यू एल एस ई एस पल्सिस दालों को कहते हैं, आर आई सी ई राइस चावल, एफ आर यू आई टी फ्रूट फल, वी ई जी ई टी ए बी एल ई एस वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, बी यू डबल टी ई आर बटर यानी मक्खन। ठीक है, हमारे रोज़ाना के खाने में क्या शामिल है? मिल्क, ब्रेड, पल्सेस, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स और बटर। अब इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है नीचे, एस ए वाई से वाई ई एस यस से यस ओ आर और एन ओ डब्ल्यू एन ओ नो से यस और नो, ए एन डी एंड टी आई सी के टिक, एम ए आर के मार्क, टी एच ई द सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट ओ एनी वन से यस और नो एंड टिक मार्क द करेक्ट वन। आपने यहाँ पे यस और नो में आंसर करना है और जो आपके पास जो आपका करेक्ट आंसर है यानी अगर यस है तो उसके ऊपर टिक करना है, अगर नो है तो उसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, आई एस इज आई सी ई आई सी आर ई ए एम क्रीम आइस क्रीम, वाई ओ यू आर योर डी ए आई एल वाई डेली, एफ डबल ओ डी फूड। इज़ आइसक्रीम योर डेली फूड? क्या आइसक्रीम जो है वो आपका रोज़ाना का खाना है? नहीं, वो तो हम कभी कभी खानी चाहिए ना, आइसक्रीम रोज़ तो नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम ये नो के ऊपर टिक कर देंगे। नंबर सेकंड है आई एस एस सी ए के ई के ई ए टी ई एन ई टेन ई वी ई आर वाई एवरी डी ए वाई डे। इज़ केक ईटन एवरी डे? क्या केक रोज़ खाते हैं? नो, केक रोज़ तो नहीं खाना चाहिए ना, तो इसलिए हम नो के ऊपर टिक कर देंगे। आई एस एस एफ डबल ओ डी फूड ई ए टी ई एन ई टेन टू टी आई एम ई एस टाइम्स और डी ए वाई डे। इज़ फूड ईटन टू टाइम्स अ डे? क्या खाना दिन में दो दफ़ा खाते हैं? जी, बहुत से लोग जो हैं सुबह का नाश्ता नहीं करते, सुबह के नाश्ते में खाली जूस ले लिया, मिल्क ले लिया या सिर्फ एग ले लिया, तो प्रॉपर खाना जो है वो टू टाइम्स लोग खाते हैं, दोपहर में और रात में। ठीक है, तो इसलिए हम वाई ई एस यस के ऊपर टिक कर देंगे। एस एच यू एल डी शुड सी एच ओ चो सी ओ को चोको एल ए टी ई चॉकलेट। इस शुड चॉकलेट बी ई बी ई ए टी ई एन ई टेन ई वी ई आर वाई एवरी डी ए वाई डे। शुड चॉकलेट बी ईटन एवरी डे? क्या चॉकलेट रोज़ खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए ना, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा चॉकलेट कैंडीज़ खाने से दांत ख़राब होते हैं, तो हम नो पे टिक करेंगे। ठीक है, इज़ आइसक्रीम योर डेली फूड? नो, आइसक्रीम रोज़ का हमारा खाना नहीं है ना। इज़ केक ईटन एवरी डे? क्या केक रोज़ खाते हैं? नो। इज़ फूड ईटन टू टाइम्स अ डे? यस, खाना दिन में दो दफ़ा खाया जाता है प्रॉपर। शुड चॉकलेट बी ईटन एवरी डे? नो, चॉकलेट रोज़ नहीं खानी चाहिए। ठीक है, एडवांस क्लास आपका पेज नंबर 15 और 16 जो है वो लेक्चर नंबर 8 में शामिल था, ये हम लोगों ने अब सॉल्व किया। इसी तरह आपने भी अपनी बुक पे इसको करना है, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।